पूरी दुनिया के विशेषज्ञ कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए अलग अलग तरह के रिसर्च कर वैक्सीन बनाने में लगे हैं और हर देश ने अपनी अलग अलग वैक्सीन भी बना ली है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन भी जोरों शोरों से चल रहा है। इसके बावजूद भी विशेषज्ञ पूर्ण रूप से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में असमर्थ हैं, क्योंकि कई लोग वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के इलाज के लिए नए नए तरीकों की खोज जारी है। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तांत्रिका रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन मिश्रा और डॉक्टर अभिषेक पाठक ने दावा किया है कि गंगा जल कोरोना के इलाज में कारगर साबित हो सकता है। विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि हिमालय के गंगोत्री से निकलने वाली गंगा में बैक्टीरियोफेज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज शब्द का मतलब है बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला। गंगा नदी में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया और रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे गंगा नदी के जल की शुद्धता बरकरार रहती है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के संबंध में विशेषज्ञ ने बताया कि गंगा जल में करीबन 1300 प्रकार के बैक्टीरियोफेज की पुष्टि हुई है, जो किसी भी नदी की तुलना में सबसे अधिक है। सम्मेलन में मौजूद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन विभाग के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा जल का इलाज में इस्तेमाल के संबंध में क्लिनिकल अध्ययन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा जल से कोरोना के इलाज के संबंध में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की है, जिस पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी कर भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है।